हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपको भी गैस जैसी समस्या होती है, सर दर्द होता है, माइग्रेन प्रॉब्लम होती है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। आज आपको मैं बताऊंगी ऐसे घरेलू नुस्खा जो रामबाण उपाय है पेट में गैस को दूर करने का, साथ ही साथ आपके सर दर्द को भी भगाने का। पेट में गैस बनना भले ही कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, लेकिन शरीर को होने वाले अन्य रोग के लक्षण हो सकते हैं। पेट की गैस की समस्या ज्यादातर हमारे खाने पीने के गलत तरीके और बुरी आदतों के कारण होती है। सुबह पेट ठीक से साफ ना होना कब्ज की वजह से गैस के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि पेट में भारीपन महसूस होना, खट्टी डकारे आना, सीने में जलन होना, साथ ही साथ सर में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। कुछ लोग पेट को ठीक रखने के लिए और गैस का अचूक इलाज करने के लिए दवा का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, यानी उनको अनेक बीमारियां लग जाती हैं एलोपैथिक दवाइयों से। आज मैं आपको ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगी जिससे कि आप हमेशा के लिए इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि गैस से होने वाली परेशानियां होती क्या है। अगर आपके पेट में गैस हो गई तो क्या परेशानियां हो सकती हैं? गैस के कारण चक्कर आना, घबराहट होना, सीने में दर्द होना, पीठ कमर में दर्द होना, पेट का फूलना, मरोड़ उठना, पेट में भारीपन, गैस बनने से पेट में खिंचाव आना और भूख ना लगना। गैस की सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? कब्ज। पेट ठीक से साफ ना होने से हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है। अगर इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज मैं आपको घरेलू नुस्खा बताती हूँ। उम्र बढ़ने के साथ पाचन तंत्र भी कमजोर होने लगता है, ऐसे में दूध व दूध से बनी चीजें ठीक से पच नहीं पाती, जिससे गैस की बीमारी हो जाती है। अधिक उम्र के लोग अक्सर बार बार गैस निकलने से परेशान होते हैं, ऐसे में दूध से बनी चीजों का सेवन उन्हें कम करना चाहिए। पेट में गैस क्यों बनती है? इसका जवाब दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन करना भी हो सकता है। इससे पाचन क्रिया कमजोर होती है, इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में गैस की समस्या अधिक होती है। प्रेग्नेंट महिला के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसका असर पाचन पर भी पड़ता है और पेट में गैस बनने लगती है। प्रेगनेंसी में इससे बचने के लिए आप संतुलित आहार लें। कुछ लोग जल्दी जल्दी में खाने को ठीक से चबाने की बजाय उसे निगल लेते हैं, जिससे पचने में अधिक समय लगता है और गैस की समस्या होने लगती है। इसके निवारण के लिए खाने को आराम से और चबा चबा कर खाएं। आजकल हम फास्ट फूड काफी पसंद करते हैं। मैदे से बनी हुई चीजों को पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इससे हमें स्टमक में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। या ज्यादा तला हुआ और मैदे वाली चीजें खाने से बचें। ज्यादा तनाव लेना, बासी खाना, चाय कॉफी अधिक सेवन करना, धूम्रपान, शराब पीना, समय पर खाना ना खाना, पेट भरने के बाद भी खाना, बेमेल चीजों का सेवन करना और एक्सरसाइज ना करना, कुछ ऐसे ही कारण है जिससे कि पेट में गैस की समस्या हो जाती है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से एसिडिटी, जलन और गैस की शिकायत होने लगती है। इन सबसे बचने के लिए आप समय पर आहार लें। भारी दालें, राजमा, उड़द की दाल, फूल गोभी, दूध खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने से भी गैस बनती है। इसके अलावा लिवर में सूजन, फैटी लिवर, शुगर, पथरी और मोटापा भी पेट में गैस बनने के कारण होते हैं। गैस की समस्या के लक्षण क्या क्या होते हैं? पेट के साइड में दर्द होना, पेट फूलना, पेट में दर्द करना, पेट में खिंचाव महसूस होना, पेट में मरोड़ उठना, पेट ठीक से साफ न होना, छाती में जलन, सर में दर्द होना, भूख कम लगना और बार बार एसिडिटी पास होना। अब आपको मैं बताऊंगी उसके रामबाण उपाय, जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था। पेट में गैस बनने की समस्या का समाधान में अदरक एक अचूक देसी दवा का काम करती है। अदरक एक छोटा सा टुकड़ा लें, कुछ ही देर तक दांतों से चबाएं और रस को अंदर ले लें, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। जीरा पेट को ठीक रखने और पाचन से जुड़े रोगों को दूर करने के लिए काफी फायदेमंद है, इसलिए आप जीरा चबा चबा कर खाएं, नहीं तो जीरे वाला पानी पिएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट नुस्खा है मेरा आज का। जब आप दोपहर का खाना खाएं या रात का खाना खाएं, उसके एक घंटे बाद आप जीरे वाला पानी पिएं, उसको उबाल लें और ठंडा होने के बाद हल्का ठंडा करें और चाय की तरह सिप सिप पिएं। इससे फ्यूचर में आपके पेट में गैस कभी नहीं होगी। गैस की दवा घरेलू नुस्खों से बनाने के लिए अजवाइन, जीरा, छोटी अरहड़ और काला नमक बराबर मात्रा में पीस लें। इस मिश्रण से 2 से 5 ग्राम तक गुनगुने पानी से लें। थोड़ा काला नमक 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से भी गैस में राहत मिलती है। तो आज का मेरा ये रामबाण नुस्खा आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया जो सबसे उपयोगी है वो है जीरे वाला पानी, मेन जो है बहुत उपयोगी है आपके हमेशा की गैस की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। इसके साथ साथ अब इन नुस्खों में से कोई भी नुस्खा आजमा सकते हैं, सारे ही बहुत ही लाभकारी हैं गैस की समस्या, सिर दर्द, इन सबसे बचने के लिए। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलेगा ताकि सब लोग इस प्रॉब्लम से बच सकें, क्योंकि आजकल एसिडिटी प्रॉब्लम, जैसे आपको मैंने बताया कि किन किन वजहों से होती है, ये सबको प्रॉब्लम होने लगी है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र वाले लोगों तक को होती है, ताकि सब लोग इस वीडियो को सुनकर ध्यान देकर नुस्खे अपनाकर अपने आप को फिट एंड फाइन रख सके। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना तो कभी ना भूले, ताकि फ्यूचर में आने वाला मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।